हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक जीन्स हॉल। तो ये जीन्सेस जो मैंने पिक करी हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की हैं, जिस ब्रांड का नाम है डील जीन्स। इस ब्रांड के बारे में मुझे पता नहीं था, बट लास्ट जो मैंने अपनी जीन्स हॉल वीडियो शेयर करी थी आपके, उसमें किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में जो है सजेस्ट किया था कि आपने कभी डील जीन्स की जीन्सेस ट्राई करी हैं। तो बट मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं था, तो मैंने ट्राई नहीं करी थी। मैंने यहाँ पे अब लोकल में चेक करा तो मुझे एक मॉल में उस ब्रांड की जो है जीन्सेस मिल गई। तो मैंने जो फर्स्ट जीन्स पिक करी थी वो मैंने वहीं से ली थी। मुझे वो जीन्स इतनी अच्छी लगी कि मैंने जब वो ऑनलाइन देखा तो ऑनलाइन में मुझे कभी कभी उस जीन्सेस पे डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे मुझे डिस्काउंट मिला मैंने उस ब्रांड और जीन्सेस जो हैं वो ले ली। तो उन जीन्सेस के जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली। फर्स्ट जीन्स मैंने यहाँ से ली थी वो कुछ ऐसी थी। डार्क ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ग्रेश कलर में है। इसका मटेरियल काफ़ी स्ट्रेचेबल है। जो मेरे जीन्स का साइज़ है वो 30 है। 30 के साथ इसमें आपको L भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि 30 है तो L क्यों लिखा है इस पर। आप देख सकते हैं इसकी बैक साइड पे यहाँ पे आपको डील जीन्स जो है वो लिखा हुआ मिल जाता है। 5 पॉकेट्स वाली रेगुलर जीन्स है ये, और आप देखेंगे कि इसकी पॉकेट पर जो है कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है। बाकी ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई भी डिस्ट्रेस या कुछ भी कहीं से कोई डिज़ाइन नहीं है, प्लेन जीन्स है ये। और ये जीन्स जो है वो हाई वेस्ट में आएगी आपको। सेकंड जो जीन्स मैंने ली है ये हाई वेस्ट जीन्स नहीं है, ये मिड रेस्ट जीन्स है, और इसका साइज़ भी जो है वो मुझे 30 ही आया है। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे अंदर मेंशन है डील जीन्स, बैक साइड में भी है मेंशन यहाँ पे डील जीन्स, एंड देन अंदर भी है। इसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है, इसमें भी कोई डिज़ाइन नहीं है। थर्ड जीन्स जो मैंने ली थी वो कुछ इस तरीके की है, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर में आपको ये जीन्स मिल जाती है। इस जीन्स का साइज़ भी जो है वो 30 है, और इसमें भी यहाँ पर सब जीन्सेस की तरह डील जीन्स मेंशन है। देन इसकी पॉकेट में या फिर इसके साइड में कोई भी डिज़ाइन नहीं है, बिल्कुल प्लेन बेसिक ब्लैक जीन्स है। अगर आप ब्लैक जीन्स ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसका मटेरियल जो है वो मुझे थोड़ा सा थिक लगा, इसको आप ज़्यादा अगर गर्मी है तो उसमें नहीं पहन पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा वेदर अच्छा है, ठंडा है, तो उसमें आप ज़रूर पहन सकते हैं। और इसका मटेरियल भी जो है वो आपको स्ट्रेचेबल मटेरियल मिल जाता है। नेक्स्ट जो जीन्स है वो कुछ इस तरीके की ग्रे कलर में है। ये जीन्स मेरी फेवरेट है क्योंकि मेरे पास ग्रे कलर की जीन्स नहीं थी, मैं काफ़ी टाइम से लेने की सोच रही थी और मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल गई। ये बिल्कुल बेसिक ग्रे जीन्स है, इसमें भी कोई डिज़ाइन नहीं, बिल्कुल प्लेन है, और इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत स्ट्रेचेबल है। ये जीन्स भी जो आपको मिड रेस्ट से मिल जाती है, जो मेरी फर्स्ट वाली जीन्स थी वो सिर्फ आपको हाई वेस्ट से मिलती है, बाकी सारी जीन्सेस जो थी वो मिड रेस्ट में मिलेंगी। इसकी पॉकेट से भी आपको कोई डिज़ाइन या कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल बेसिक जीन्स है। अगर आप एक अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में जीन्स लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप ये ज़रूर लीजिए। जिसने भी मुझे सजेस्ट किया था, मैं उनका नेम यहाँ मेंशन कर दूँगी, जिसने भी मुझे सजेस्ट किया था कि आप डील जीन्स की जीन्स ज़रूर ट्राई करें, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज़ ये जीन्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात, आप देखते होंगे जब आप जीन्सेस वॉश करते हैं तो कुछ जीन्सेस ऐसी होती हैं वॉश करने के बाद जैसे उसकी जैसे आप पहनते हैं वो बिल्कुल वैसे ही शेप में हो जाती हैं, बट ये जीन्सेस ऐसी हैं जब आप उसको वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी शेप में वापस आ जाती हैं, जैसे आपने अभी अभी नई जीन्सेस ली हों। मुझे ये क्वालिटी जीन्स की इतनी अच्छी लगी कि मैंने एक के बाद एक इतनी सारी जीन्सेस ले ली, और एक जीन्स और है वो मुझे मिल नहीं रही है अभी, बट अगर वो मुझे मिल जाएगी तो मैं उसका जो है वीडियो यहाँ पे शेयर कर दूँगी आपके साथ। वो जीन्स भी मतलब बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, वो जीन्स मैंने इतनी पहनी है बट उस जीन्स से अभी तक कुछ नहीं हुआ, और पहनने के बाद भी इतनी कंफर्टेबल है। और ये सारी जीन्सेस भी आई एम श्योर बहुत अच्छी होंगी क्योंकि स्टार्टिंग की दो जीन्सेस मेरी इतनी अच्छी निकली, तो ज़रूर बाकी जीन्स बहुत अच्छी होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, सजेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चाहें तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।